लाजवाब टेस्ट का एक ही नाम हल्दीराम। तुमसर क्षेत्र में विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई विकल्प मौजूद है, बशर्ते सरकार व जन प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। शहर से 25 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की श्रृंखला के बीच घने जंगल से घिरा गायमुख का प्रसिद्ध देवस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैभवता एवं नैसर्गिक बहुमूल्य वन संपदा की चादर ओढ़े गायमुख का इतिहास राजा महाराजाओं के प्राचीन समय का स्मरण कराता है। खनिज धातु, दुर्लभ जड़ी बूटी तथा वन औषधियों का प्रचुर मात्रा में भंडार भरा पड़ा हुआ है। इस परिसर की सैर करने पर जंगल का बेहतरीन नजारा पर्यटन को भाव विभोर कर देता है। भ्रमण के बीच वनस्पति द्रव्य एवं सुगंधित फूलों की महक से जंगल का वातावरण प्रसन्न कर देता है। यदि पुरातन विभाग के तज्ञ लोगों द्वारा खोज की गई तो आयुर्वेदिक औषधियों से बेरोजगारों की समस्या हल करने में कारगर साबित हो सकती है। इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के बाद भी सरकार द्वारा उपेक्षा की जा रही है। सरकार की अनदेखी से गायमुख पर्यटन स्थल का विकास गुमनामी के अंधेरे में खो गया है। आसमानी संकट से जूझते हुए तहसील के किसानों के हित को ध्यान रख सिंचाई प्रकल्पों का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन अधूरे नहरों के कारण किसानों का समाधान नहीं हो पाता है। यह उल्लेखनीय है कि देश के 18 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री क्षेत्र गायमुख में भगवान भोलेनाथ का पंचमुखी चमत्कारी मंदिर होकर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 7 दिन के मेले का आयोजन होता है। इसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भंडारा, गोंदिया, नागपुर एवं विदर्भ के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु शिव पार्वती का दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। गायमुख जैसे अति दुर्गम भागों की अनमोल विरासत को संजोए रखने की आवश्यकता है।